हे भगवान, रक्षा करो, मेरी बहू मेरे साथ बहुत अत्याचार कर रही है। क्या हम विधवा सास के साथ यही हर्ष होता है? आजकल के बच्चे इतने एडवांस क्यों हो गए हैं, जो माँ बाप को थोड़ी भी फिक्र नहीं करते हैं। अरे माँ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, यहाँ क्या कर रही हो? कब से मैं घर पे तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम दवा लेने गई थी और यहाँ आकर के बैठी हो। हाँ बेटा, पैरों से अब चला नहीं जा रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ चलते चलते। तो कोई गाड़ी कर ली होती, पैदल क्यों आई यहाँ पे? बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं गाड़ी कर सकूँ। अरे माँ, मैंने तो आपको 100 रुपये सुबह दिए थे। बेटा, 100 रुपये की किस्त तो दवा ही हो गई, फिर मैं गाड़ी कहाँ से करूँ? अरे माँ, उसी में कर ली होती, 100 रुपये कम है क्या दवा के गाड़ी के लिए? हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे चल चलूँगी घर पे। ठीक है माँ, घर जल्दी आओ, काम सारा बाकी है। वो भी सविता भी परेशान है कब से, अभी तक खाना भी नहीं बना है, मैं थक गया हूँ तुम दोनों के झगड़े सुलझाते सुलझाते। बड़ी हो तुम ही, थोड़ा समझ लिया करो, वो नहीं समझती है तो। ठीक है बेटा, क्या तुम्हें दया नहीं आती अपने माँ के ऊपर थोड़ी भी, ऐसे व्यवहार करते हुए? अब दया किस बात की, किस पे दया करूँ, तुम पे करूँ, उस पे करूँ, किस पे करूँ, समझ में नहीं आता। तुम पे अगर दया करूँ तो वो गुस्सा आती है, उस पे करूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है तुम उसी की सुनो। अरे जानू, ये बुढ़िया यहाँ क्यों बैठी है? अरे छोड़ो भी सविता, चलो तुम कहाँ से यहाँ पे आ गई, चलो घर पे चलते हैं, अभी ये भी आ जाएगी घर पे। हाँ बहू तुम चलो, मैं आती हूँ। हाँ जल्दी चलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं, सुबह से दिमाग पक गए हैं बीमारी का नाटक कर करके दवा लेने जा रही हूँ और आकर के यहाँ नदी के पास बैठी हुई हूँ, मरना है तो मर जाओ यहीं। अरे छोड़ो भी, क्या गुस्सा कर रही हो, चलो यहाँ से आ जाएगी ये। दवा ली या पैसा वो भी खा गई कहीं? आपसे बार बार बोलती हूँ कि इसको पैसा ना दिया करो बुढ़िया को, दवा ही ला के दे दिया करो, क्या पता 10 कल 20 कल ही होगी, बाकी खा गई होगी बाहर जा करके। अरे बहू ऐसी बात नहीं है, मेरी अब ये उम्र थोड़ी नहीं है कि मैं बाहर का जाके खा पाऊँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं बचे कि मैं रिक्शा भी करके आ पाऊँ घर पे। माँ देखो, दिमाग ना ख़राब करो, तुम दोनों के किचकिच से मेरा सिर पक गया है, चुपचाप से घर पे आओ, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, दवा खाओ, आराम करके काम सारा ख़त्म करो। ठीक है बेटा, काश हमारे कोई और बच्चे होते तो हमें ये दिन देखने को नहीं मिलते। हाँ हाँ, तो जाके पैदा कर ले, बहुत बच्चों की दया वो हो रही है, तो और बच्चे होते तो न काम के न काज के सोच रही, फ्री में बैठ करके खाऊँ, ना कोई काम करूँ ना कुछ करूँ। सुन ले बुढ़िया, अगर 1 घंटे में घर पे नहीं पहुँची, सारा काम खत्म नहीं हुआ, तो फिर आज तो समझ ले कि आज तो बस वार्निंग दे करके समझा रही हूँ, वरना कल तो इसी चाकू से तेरी गला सोच ले आगे। अरे नहीं 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 बहू, ऐसा ना करना मेरे साथ, प्लीज़ ऐसा ना करना। बेटा बहू को समझा दे, मैं कर लूँगी सब कुछ, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊँगी मैं सारा काम कर लूँगी, प्लीज़ बेटा बहू को समझा दे, मुझे मारे ना। हाँ हाँ ठीक है, समझा दूंगा, जल्दी आओ घर पे। बेटा मुझे 10-20 दे दे ताकि मैं गाड़ी करके आ सकूँ, या अपने साथ ही लेते चल मुझे। ओहो, हमारे साथ जाएगी, अपनी औकात देखी है, हमारे साथ चलेंगी महारानी। अरे छोड़ो भी यार, ले चलो, वरना फिर काम के लिए नाटक करोगी, कौन करेगा कौन करेगा। ठीक है चलो, रोग आओ ना, चलो घर पे, यहाँ से चलो, हमारे साथ ही निकलो चलो, वैसे भी मार्केट जाना था, अब तुम्हारी वजह से हमें घर जाना पड़ेगा। अब चलो जानू, गुस्सा ना करो, फेंको ये चाकू वगैरह, चल रहे हैं साथ में, अभी ठीक हो जाएगी, काम करेंगे ना, कौन करेगा, यही करेगी और कौन करेगा। ठीक है आप बोल रहे हो तो रख देती हूँ, वरना तो पक गई हूँ मैं इससे।